लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली प्राकृतिक सौंदर्य से भरी ये डेस्टिनेशन बेहद डरावनी है। मसूरी के बाहरी इलाके में मौजूद लंबी देहरी माइन बेहद भयावह है। ऐसा कहा जाता है 1990 से पहले यहाँ पर हजारों मजदूर काम करते थे। मसूरी के बाहरी इलाके में स्थित इस माइन के साथ 1990 के दशक में यह अप्रिय घटना घटी। एक हादसे में इसमें काम कर रहे कई मजदूरों की मौत हो गई। तब से यह माइन बदहाल है और काफी भयावह है। लोग बताते हैं कि इस वीरान जगह पर एक हेलीकॉप्टर रहस्यमय तरीके से क्रैश हो चुका है। लोगों का कहना है कि इस वीरान जगह रात में लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। इस जगह के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहां चलते हुए वाहन अचानक सड़क से उतर जाते हैं, जिससे कई बार गंभीर हादसे भी हो जाते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा यह भी कहा जाता है कि स्टोन माइंस की बीमारियों से बचने के लिए लाइम स्टोन माइंस के लिए कई सुरक्षा नियम बने हुए थे, पर लंबी देहरी माइंस में इस तरह के किसी भी नियम का पालन नहीं होता था। नतीजन वहां पर बड़ी संख्या में मजदूर बीमारी से मरने लगे। यहां माइंस में काम पर लगे ट्रकों के पहाड़ी से गिरने की भी कई घटनाएं हुई हैं। फलस्वरूप सरकार ने सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण इस माइन को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। इसके बाद से यह जगह बिल्कुल वीरान पड़ी है। स्थानीय लोगों के अनुसार खाली पड़ी यह माइन और इसके आसपास बने खंडहर अब आत्माओं का ठिकाना है।